हाँ बच्चों, तो देखो अभिषेक यादव, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे, वॉइस आ रही है? आज हम क्या पढ़ेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे। साधारण ब्याज की हमारी सारी क्लासेस हो चुकी हैं, जितनी हमने साधारण ब्याज की क्लास करी थी वो हो चुकी हैं। आज हम क्या करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है बच्चों, आवाज़ नहीं आ रही है? देखो बच्चे, अब आ रही होगी आवाज़, अब वॉइस प्रॉपर आ रही होगी, ज़रा चेक करें। अभिषेक अब बताओ, आवाज़ सही आ रही है? हाँ बच्चे, अब ठीक आ रही होगी आवाज़, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। तो अब क्लास आपकी आवाज़ सही होगी ना? ठीक है, चलो कुछ बातें हम समझ लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में। चक्रवृद्धि ब्याज में कुछ बातें जो बेसिक बेसिक होती हैं वो मैं आपको बताऊंगा आज। तो ध्यान रहे, चक्रवृद्धि ब्याज में तो अगर हम बात करें, मैंने आपको बताया था यहाँ पर आपका मूलधन, मूलधन सभी जानते हैं कि जो मूलधन होता है यानी कि प्रिंसिपल, यानी कि प्रिंसिपल जो होता है मूलधन, एक होता है दर, दर यानी कि रेट, एक होता है रेट और एक होता है टाइम। टाइम का मतलब समय, समय आपका होगा, और एक होगा अमाउंट। क्या होगा? अमाउंट यानी कि मिश्रधन। क्या होगा? मिश्रधन। और मिश्रधन जो होता है, मैंने आपको बता चुका हूँ कि मूलधन प्लस, यहाँ पर अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आपका चक्रवृद्धि ब्याज होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज होगा यानी कि प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की यहाँ से बात करूँ तो मेरा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, मैं कह सकता हूँ कि मूलधन में से प्रिंसिपल निकाल दो तो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। मगर सबसे बड़ी बात यह होती है कि हमारा यहाँ पर अमाउंट जो है, जो अमाउंट है यानी कि मूलधन पी, और रेट आप जानते हो कि 100% पर आप कितने रुपये चार्ज कर रहे हो, कितने रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हो, वो आपका दर होगा, जैसे कि 2%, 3% और 4%। और समय जैसे कि 2 साल 6 महीने ऐसे करके मंथ में भी हो सकता है, ये आपका समय होता है। तो यहाँ पर क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है क्या? ओबियसली कंपाउंड इंटरेस्ट की बात अगर मैं कर रहा हूँ तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है कि हमने मान लीजिए 100 रुपये लिए थे, हमने क्या लिए थे, 100 रुपये लिए थे, 100 रुपये पर अगर 10% से एक साल में ब्याज लगी तो 110 रुपये आपको चुकाने पड़ेंगे, 110 रुपये आपको चुकाने पड़ेंगे। फिर आपने कहा कि सर अगले साल में भी अगर मुझे ब्याज देनी पड़ेगी तो मैं इसका भी अगर मैं 10% निकालूँ और फिर जोड़ दूँ तो यानी कि मुझे 121 रुपये चुकाने पड़ेंगे, 121 रुपये चुकाने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आप देख पा रहे हो तो ये पहला साल था, ये पहला साल था और ये दूसरा साल है यानी कि सेकेंड ईयर, आपको इसको बोल सकते हैं सेकेंड ईयर, इसको मैं बोल सकता हूँ सेकेंड ईयर, है ना, सेकेंड ईयर। तो ये चल रहा है, इसका मतलब क्या है कि हम जो भी रेट ले रहे हैं, जो भी रेट है यानी कि 10%, 5%, 100%, 8% जो भी है, अगर हम उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब उस पर ही कैलकुलेट करते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, जैसे मैंने 100 रुपये लिए थे, 100 रुपये एक साल के बाद मुझे 110 रुपये चुकाने पड़ेंगे, तो 2 साल के बाद मुझे लौटाने हैं तो मुझे 121 रुपये लौटाने पड़ेंगे। तो उसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ तक जो ब्याज बनी, यहाँ से यहाँ तक जो चक्रवृद्धि ब्याज बनी वो आपकी 21 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, अगर आप 100 रुपये लेते हैं तो 2 साल बाद अगर लौटाएंगे तो आपको 21 रुपये की ब्याज चुकानी है। अगर यहाँ से देखें 1 साल बाद लौटानी है, एक साल में ना तो कोई चक्रवृद्धि ब्याज होती है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों ही एक साल में काउंट किया जाते हैं, यानी कि एक साल में चक्रवृद्धि ब्याज जितनी होगी इतनी ही साधारण ब्याज होगी। ये बात ध्यान रहेगी, ये बात आपने पढ़ते आए हैं और ये बात आगे भी लागू होती है कि जितने, यानी एक साल की अगर बात करते हैं तो एक साल में जो ब्याज बनेगी वही चक्रवृद्धि ब्याज है और वही साधारण ब्याज है। 2 साल की अगर हम बात करें तो 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज क्या है कि जो ब्याज आपने पहले दी थी उसका भी ब्याज ले लेगा। ठीक है, तो ये है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज बराबर होगी और वो किसके बराबर होगी, 10 रुपये के बराबर। ठीक है, ये चीज है, ये चीज बेसिक है और इस चीज में बेसिक में कुछ ऐसा है नहीं। अब मैं इसमें थोड़ा सा आगे चलता हूँ तो यहाँ पर मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा, आप अगर कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो कॉपी पेन लेके बैठे और उसको नोट डाउन करते जाएं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ए बराबर पी 1 प्लस R/100 की पावर T, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, यानी कि ये होता है मिश्रधन, ये होता है मिश्रधन, ये होता है मिश्रधन और ये होता है आपका मूलधन। क्या होता है? मूलधन, और ये आपका समय है, ये आपका समय है और ये आपकी दर है, ये आपकी क्या है, दर है। ठीक है, ये आपकी दर है
अगर यहां से ये लिखा जाए, अगर यहां से मैं ये लिख लूं a बाई पी, a बाई पी लिख लूं मैं इसको, तो r अपॉन 100 की पावर t, ऐसे कर सकते हैं हम। तो ये ऑब्वियसली रेशो है, यानी कि मिश्र धन और मूलधन का एक रेशो निकल के आ गया यहां से, कि अगर हमें रेशो पता करना हो तो हम रेशो बता सकते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जो r है, जो r है वो 10% लेते हैं हम, r बराबर 10% लेते हैं, और जो टाइम है वो हम 3 साल लेते हैं, और हम देखते हैं a और p का जो रेशो है वो क्या बनेगा, a और p का रेशो क्या बनेगा। तो अगर मैं इस फॉर्मूले का यूज करता हूँ, इस फॉर्मूले का अगर यूज करता हूँ, तो a बाई पी 1 प्लस 10 अपॉन 100 की पावर 3, 10 से 10 कट गया, तो ये आ गया 11/10 और 11/10, ठीक है। पावर 3 है तो इसको हम 3 बार गुणा कर लेंगे, तो 3 बार गुणा करने पर ये आ जाएगा 11/10, 11/10, 11/10। तो आप क्या कह सकते हो इसको, तो यानी कि पहली साल में कितनी है 11 और मूलधन कितनी है 10, दूसरी साल की भी बात करूं तो 11 और ये कितनी थी 10, अगर तीसरी साल की बात करूं मैं तो ये 11 और ये 10 है ना भाई। यहां से आप देख पा रहे हो कि मूलधन कितनी बार आ रही है, 1, 2, 3, हमारी मूलधन भी कितनी आ रही है 1, 2, 3, ठीक है। अगर हम करें मिश्र धन की बात, तो मिश्र धन भी हमारी कितनी बार आ रही है 3 बार आ रही है, तो ये मिश्र धन पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, आगे जाएंगे तो इस तरीके से हम चलते चले जाएंगे। तो अगर हम यहाँ से बात करें, इन सब की गुणा करें, तो ये आपका आ जाएगा 1000, और इसकी बात करेंगे तो 1331 आपका ये आ जाएगा। अगर यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज लाने की कोशिश करेंगे आप, तो चक्रवृद्धि ब्याज आपकी कितनी आ जाएगी, 331 रुपये आपकी आ जाएगी, राइट। तो इस तरीके से हम यहाँ पर भी इस मेथड का भी यूज कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं हम रेशो मेथड। क्या बोलते हैं हम रेशो मेथड, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए। देखिए, एक पर्टिकुलर मेथड पर अगर डिपेंड हो जाओगे, जैसे कि मान लो आप इफेक्टिव रेट से निकाल लो, चाहे ऐसे निकाल लो, चाहे आप वृक्ष मेथड यानी पेड़ मेथड, मतलब ट्री मेथड बोलते हैं जिसको हम, उससे भी आप निकाल सकते हो। हिंदी में वृक्ष मेथड बोलेंगे ना, वृक्ष पेड़ को वृक्ष ही तो बोलते हैं, ट्री को, तो ट्री मेथड से भी हम पता कर सकते हैं यहाँ पर। तो हम ट्री मेथड की बात करें तो उससे भी हम पता कर सकते हैं, रेशो मेथड से भी पता कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान रखें कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कहोगे कि सर, अगर हम यहाँ पर मान लो 7 साल होता, 7 साल होता, या यहाँ पर 6 साल होता, तब इस मेथड को अगर लगाते तो शायद ये बहुत टिपिकल पड़ जाता, और टिपिकल पड़ने का मतलब है कि हमें मेथड बदलना होगा। तो मैं आज की क्लास में जितनी भी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, तो ये तो मैंने आपको रेशो मेथड बता दिया। इस रेशो मेथड पर क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व आउट करोगे, जैसे भी क्वेश्चन इस पर बन सकते हैं। अगर मैं दूसरे मेथड की बात करूं, अगर मैं इसे मान लीजिए ट्री मेथड से मैं सॉल्व करता, ट्री मेथड से, तो यहाँ पर टी जो था वो 3 साल था, टी आपका 3 साल था, और रेट जो था वो 10% था, और मुझे यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज की बात करती पता करनी थी। मैंने यहाँ पर मूलधन ले रखा था 1000 रुपये, कितना ले रखा था मूलधन 1000 रुपये ले रखा था, इस तरीके से मैंने मूलधन ले रखा था, राइट। अगर मेरा मूलधन भी नहीं होता तो मैं प्रिंसिपल को मान लेता, तो मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ, ट्री मेथड का यूज करूँ। अगर मैं यहाँ पर ट्री मेथड का यूज करूँ 3 साल के लिए, तो मैंने आपको बताया कि 1000 रुपये हैं, 3 साल हैं, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल। तो अगर यहाँ पर 10% के हिसाब से जाओगे तो 100 रुपये, 100 रुपये, और ये आपका आ जाएगा 100 रुपये, है ना, 100 रुपये, यानी कि 200, 100 रुपये, राइट, ये आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं आगे जाऊँ, 10%, मैंने आपसे बताया कि हमें ब्याज पर ब्याज देनी पड़ती है, तो मैं इसकी ब्याज दूंगा यानी कि दूसरी साल के लिए, तो मेरा यहाँ से आ जाएगा 10 रुपये, क्या जाएगा 10 रुपये, ये मेरी सेकंड ईयर की ब्याज है 110 रुपये, कितनी है 110 रुपये मेरी सेकंड ईयर की ब्याज है। अगर मैं इसकी ब्याज देता हूँ यहाँ पर, 10% का अगर मैं इसका ब्याज देता हूँ, तो मुझे 11 रुपये देने पड़ेंगे, 11 रुपये देने पड़ेंगे, क्योंकि ये 110 है, और 110 का 10% कितना होता है 11 रुपये होगा, क्योंकि ये वाला जो है ये हमने सेकंड ईयर का ब्याज चुकाया है। मगर मैंने आपको बताया चक्रवृद्धि ब्याज ये होती है कि अगर आप ब्याज पर ब्याज देते हो तो वही चक्रवृद्धि ब्याज बनती है, इसका भी आपको ब्याज देना पड़ेगा, यानी कि 10% से आपको ब्याज देना पड़ेगा, यानी कि आपको 10 रुपये चुकाने पड़ेंगे, ठीक है, ये हो गया। तो ये आप देख पा रहे हो 100, 100, 100, 100, 100, 300, और ये हो गया, ये आपका हो गया 31 रुपये। तो अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालें, यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज निकालें, तो ये 100 प्लस 100 और प्लस 100, 3 साल का ब्याज ये है, और प्लस ये 10 और ये 11, यानी कि 31 रुपये ये है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10
दस प्लस ग्यारह, इसको अगर मैं देखूं तो ये हो गए 300 रुपये और ये हो गए तुम्हारे 31 रुपये, तो ये यानी कि 331 रुपये आपकी ब्याज हो गई, 331 रुपये आपकी चक्रवृद्धि ब्याज हो गई 331 रुपये, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, अगर इसमें हम बात करते हैं, ये जो है ये वाला जो है इसको हम बोलते हैं साधारण ब्याज। क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज। मैंने कहा था कि पहले साल में सबकी साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होती है, तो पहले साल में जो है साधारण ब्याज वो इतनी है, चक्रवृद्धि ब्याज आपकी ये आ गई। अगर दोनों ब्याजों को मैंने घटा दिया जाए तो मेरा जो डिफरेंस है वो 31 रुपये का डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज का अगर डिफरेंस निकाला जाए तो वो आपका जो डिफरेंस होगा वो 31 रुपये का डिफरेंस होगा। इस तरीके से ये मेथड निकल गया, इसको बोलते हैं हम ट्री मेथड। क्या बोलते हैं इसे हम? ट्री मेथड। अगर हम चाहें तो इसको रेशो मेथड से, मैंने आपको दिखाई दिया रेशो मेथड से, अगर मैं आपसे कहने लग जाऊं कि रेशो मेथड से बच्चों, अगर मैं आपसे ये कहने लग जाता कि रेशो मेथड से मुझे ये बता दो इसका डिफरेंस बता दो दोनों ब्याजों को, अगर मैं इसे डिफरेंस मेथड को मैं बोलता कि आप ट्री जो मैंने आपको रेशो मेथड बताया था उससे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस बता दो, तो वहां से ये डिफरेंस आप पता नहीं लगा पाते कि कितने रुपए का डिफरेंस आएगा, राइट। दूसरी बात, अगर आप इसमें तीसरे साल का ब्याज देख पा रहे हो तो ये जो ब्याज है ये वाली, ये है CI फॉर थर्ड ईयर, CI फॉर द थर्ड ईयर। अगर आप ये वाली देखोगे तो ये है CI ऑफ सेकेंड ईयर, CI ऑफ सेकेंड ईयर, ठीक है। ये आपकी CI ऑफ द सेकेंड ईयर है, यानी 110 रुपये, 110 रुपये CI ऑफ द सेकेंड ईयर है। अगर थर्ड ईयर की बात करोगे तो 121 रुपये, यानी कि आप देख पा रहे हो केवल थर्ड ईयर की बात कर रहा हूँ मैं, 100 ये वाली, 10 ये वाली, 21, यानी कि 121, ठीक है। ये थर्ड ईयर है, ये सेकेंड ईयर था। अगर मैं बात करता यहाँ से दोनों का, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का डिफरेंस, तो यहाँ से मैं पता कर लेता कि ये ब्याज आ रही है, राइट। तो इस वाले मेथड से हम बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं। अब कहोगे सर बड़ा आ जाए तो यहाँ 3 साल के लिए, अगर 4 साल में इसमें जाओगे थोड़ा घपला हो जाता है। 4 साल में क्या है कि आपके ना मतलब तोते उड़ जाएंगे अगर 4 साल में इसको कैलकुलेट या 5 साल की कैलकुलेट कराने लग जाएगा। तो उसके लिए हम दूसरा मेथड यूज करते हैं। दूसरा मेथड क्या होता है उसको बोलते हैं हम, कौन सा मेथड? उसको बोलते हैं हम रेशो मेथड। एक रेशो मेथड पीछे था, एक रेशो मेथड ये था, ये वाला रेशो मेथड था जो फॉर्मूले से बनता है। एक होता है कि 2 साल का रेशो, 3 साल का रेशो, 4 साल का रेशो, 5 साल का रेशो, उससे हम ब्याज कैलकुलेट करते हैं। पहले आज हम कुछ क्वेश्चंस इस पर, 2 साल पर, 2 साल पर, 3 साल पर कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेते हैं, ताकि जिससे कि आपको थोड़ी चीजें समझ में आ जाए तो क्या क्या हो सकता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर एक काम करते हैं, मूलधन मान के करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर मिश्र धन, ये क्वेश्चन तो हो गया, यहाँ पर हम थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं। मान लीजिए मिश्र धन आपको दे दिया, मिश्र धन आपको दे दिया यहाँ पर 343 रुपये, ये आपको दे दिया 3430 रुपये। रेट आपको दे दिया, रेट आपको दे दिया 16 सही 2/3%, और आपको जो टाइम है वो 3 साल दे दिया, और मुझसे पूछा गया कि भैया चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, इसका चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। तो आपकी मर्जी, कोई सा भी मेथड लगाइए आप, चाहे ये वाला ट्री मेथड लगा लीजिए, चाहे ये ट्री मेथड यूज कीजिए, चाहे आप पीछे वाला रेशो वाला मेथड यूज कीजिए। अगर रेशो मेथड से करोगे इसको, अगर आप रेशो मेथड से करने जाओगे तो होगा क्या कि रेशो, हाँ भाई, अगर हम रेशो मेथड से जाएंगे इसको करने, तो रेशो मेथड से जैसे ही हम करने जाएंगे, चलिए अगर हम इसे रेशो मेथड से करते हैं तो रेशो मेथड से होगा क्या, इसमें थोड़ी सी चीजें आपको माननी पड़ेगी, राइट। इसको मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ, चलिए दूसरा पेज ले लें। चलो देखो भाई, तो अब हम इसे रेशो मेथड से ना करके हम इसी रेशो मेथड से कर लें या ट्री मेथड से कर लें, हमको पी मानना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर हम पी मानते हैं, लेट पी, ठीक है, लेट पी मानना पड़ेगा। पी मानेंगे, पी कैसे मानेंगे,
सोलह सही दो बटे तीन है ना, सोलह सही दो बटे तीन है। अगर आपको पी नहीं मानना है तो आप सीधा लिखो सोलह सही दो बटे तीन का रेशो यानी कि एक बटे छः, ऐसे लिख लो एक बटे छः। तो यहाँ पर था मूलधन और अनुपात क्या मिश्रधन, ये था पहला साल, दूसरा साल और तीन साल की बात हो रही है, यहाँ पर तीन साल की बात हो रही है राइट। तो इसका मैं देखूँ छः, छः से कितनी हो गई सात, फिर छः और फिर हो गई सात, फिर छः और फिर हो गई सात, इसकी मल्टीप्लाई करूँगा मैं तो 216 रुपये आ जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो 343 रुपये आ जाएगा और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 3,3430 रुपीज है ना, ये आपको दे रखा था, ये आपको दे रखा था, यही था। अगर मुझे यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो यहाँ से अगर मुझे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो मैं इसमें से इसको घटा लूँगा, ठीक है, इसमें से मैं इसको घटाऊँगा तो यहाँ जाएगा इतना, यहाँ जाएगा तीन, यहाँ जाएगा दो, यहाँ जाएगा 127 रुपये। तो आप देख रहे हो इसके आगे एक जीरो आ रही है और इसके आगे हम एक जीरो लगा देंगे तो 1270 रुपीज आपका आंसर आ जाएगा, 1270 राइट। तो ये था, इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। अब ये कहोगे सर अगर हमें ऐसा नहीं करना हो, हम ट्री मेथड से करना हो तो ट्री मेथड में क्या करेंगे, हमें मूलधन मानना पड़ेगा, और जो भी हम मूलधन मानेंगे उसके हिसाब से हम मूलधन को यानी कि आप ये निकालोगे, पहले हम क्या निकालेंगे, ये वाली चीज़ निकालेंगे यहाँ से, ये वाली चीज़ यानी कि मिश्रधन पता करेंगे, और मिश्रधन आप सभी जानते हो कि अमाउंट जो होती है मूलधन प्लस क्या होती है चक्रवृद्धि ब्याज होती है। हम ये पता करने के बाद इसके बराबर करेंगे और उसके बराबर एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे यानी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से आंसर आ जाएगा। एक्स का मतलब एक यूनिट होता है, वो यूनिट यानी कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है, उसी को हम एक यूनिट बोलते चलते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे, इसमें थोड़े से क्वेश्चंस को कर लिया जाए ताकि समझ में अच्छा आ जाए, वो हम करके देखते हैं फिर आगे बात चलेगी। ये कोई क्वेश्चन है जल्दी से बच्चे जो मेरे को लाइव देख रहे हैं वो बच्चे इसका आंसर बताएंगे, इसका आंसर क्या होगा। द प्रिंसिपल विच विल अमाउंट इतने रुपए इन द टू ईयर्स रेट 4% पर एन कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये बताना है कि दो वर्ष में इतने रुपए हो जाती हैं, दो वर्ष में 270 रुपए हो जाते हैं, 270.40 हो जाते हैं। आपको ये बताना है कि जो वो मूलधन था, जो मूलधन था वो कितने रुपए था, वो आपको बताना है, मूलधन बताना है, ठीक है, आपको मूलधन बताना है, मूलधन कितना था। चलिए आपको मूलधन बताना है, चलिए करते हैं। तो यहाँ से हम क्या करें, 4% को ले लिख देते हैं, 4% को यानी कि 1/25 लिख देते हैं यहाँ पर, 1/25। तो अगर हम यहाँ पर देख पा रहे हैं तो यहाँ पर लिखें मूलधन, मूलधन से यहाँ लिखें ए, तो यहाँ पर ये तो कितना था 25 और ये कितना हो जाएगा 26, यहाँ पर कितना था 25 और ये पर कितना हो जाएगा 26 राइट बच्चों। यहाँ से मल्टीप्लाई किया मैंने 625, यहाँ से मल्टीप्लाई किया 625, यहाँ से मल्टीप्लाई किया 676। आपको मैंने पहली क्लास में बता रखा है, पहली क्लास जब नंबर सिस्टम पढ़ाया था तो मैंने आपको ये बताया था कि आपको 10 तक के क्यूब रूट यानी 10 तक के क्यूब और 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर्स यानी वर्ग आपको याद होने चाहिए। ये मैंने आपको पहले ही दिन ही बताया कि आपका काम यहाँ पर काम आता है, जो मैंने आपको सिखाया था, ठीक है। यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई साहब इसकी जो वैल्यू है 270.40, देखते हैं 4×6=24, 6×7=28 और 30, 0, 4×6=24 यानी कि ये कैंसिल आउट होकर आ गया 0.4 यानी कि एक की वैल्यू आ गई 0.4। मुझे कितने की वैल्यू चाहिए, मूलधन की वैल्यू चाहिए। मूलधन मेरा कितना है, मेरा मूलधन है 625 रुपये, तो मैं गुणा कर दूंगा इसमें 625 रुपये की, यहाँ पर मैं 625 से गुणा करूँगा, 625 से गुणा करूँगा, 4×5=20, 4×2=8 और 2×10, 4×6=24 और 1×25=0 यानी कि मेरा आंसर जो आ जाएगा 250 आ जाएगा। रेखा प्रदीप CHSL की तैयारी से UPSI हो जाएगी। रेखा प्रदीप अच्छा ये कह रहे हैं CHSL की तैयारी से UPSI की तैयारी हो जाएगी। देखो बच्चे CHSL की अगर आप तैयारी करते हो, CHSL की अगर आप तैयारी कर रहे हो, CHSL से अगर आप तैयारी कर रहे हो तो मतलब कुछ पॉइंट्स आपको थोड़े अप ले जाने पड़ेंगे। आप समझिए कि आप CPO की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको UPSI की तैयारी करनी है, अगर आपको UPSI की तैयारी करनी है बच्चे, अगर आपको UPSI की तैयारी करनी है तो आपको CPO का पेपर पढ़ना पड़ेगा, CPO के क्वेश्चन तैयार करने पड़ेंगे, उसी पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि अब SI का वो स्टैंडर्ड नहीं रहा पहले जैसे पहले आता था, अब UPSI का स्टैंडर्ड बढ़ चुका है
आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़े क्वेश्चंस को टफ ले जाना पड़ेगा। सीएचएसएल में इतने टफ नहीं होते, एक आध क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ टफ बना दिया जाता है, बाकी नहीं तो अगर आप सोच रहे हैं कि हम सीएचएसएल के हिसाब से पढ़ें और वो तैयारी कर लें तो वो नहीं आ पाता। आप अपने आप को ये मान के चलिए कि हम सीपीओ पढ़ रहे हैं, सीपीओ में एडवांस का पार्ट निकाल दिया जाए, जैसे ट्रिगोमेट्री उसको नहीं पढ़ना है, उसमें उसमें नहीं आता है वो ट्रिगोमेट्री, और एलजेब्रा भी नहीं आता है, वो भी नहीं पढ़ना है आपको। मेंसुरेशन पढ़नी है, मेंसुरेशन आपको पढ़नी है, और ज्योमेट्री का पार्ट भी पढ़ना है क्योंकि यूपीएसआई में पूछ लिया जाता है। तो आपको अर्थमेटिक और जीपी ये भी पढ़नी है, आपको जीपी और एपी दोनों पढ़नी है, समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी पढ़ना है। तो आप ध्यान रखिए सीएचएसएल की तैयारी करके यूपीएसआई नहीं निकलेगा। मैं कह सकता हूँ कि आपकी उस लेवल की तैयारी नहीं हो पाती जिस लेवल से हमें पढ़ना होता है यूपीएसआई के लिए। अगर मैथ आपको करना तैयार तो आपको सीपीओ के हिसाब से करना पड़ेगा। जैसे कि मैं अभी मेरा बैच चल रहा है सीपीओ का, मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ सीपीओ का, हमारा सीएचएसएल और सीपीओ का ऑफलाइन बैच है, उसमें हम तैयारी करा रहे हैं बहुत बेस्ट तरीके से। अगर आपको मेरे टेलीग्राम पे देखने जुड़ना है तो आप उसमें जाके मेरी पीडीएफ के सवाल देख सकते हो, उसी लेवल के मैं सवाल भी बना रहा हूँ और उसी लेवल के सवाल भी मैं पैटर्न पे उस पर रख रहा हूँ कि इस तरीके से अगर कोई बच्चा यूपीएसआई की तैयारी सोच के करे, अगर मेरी पीडीएफ कर रहा है तो गारंटी है कि यूपीएसआई का आपका उसमें कोई रुकावट नहीं आने वाली है। ठीक है बच्चे, तो ये होता है सीएचएसएल के हिसाब से आप नहीं कह सकते कि हम यूपीएसआई निकाल सकते हैं। ठीक है, सीएचएसएल का भी अब सीपीओ के बराबर पेपर ऐसा है, पेपर का पैटर्न अच्छा होता है मगर वो घोपला उपला हो जाता है, तो मैं उसको कह नहीं सकता, उसको लेवल को मैं कह नहीं सकता। मगर हाँ ये जरूर है कि पैटर्न और पेपर का लेवल बहुत अच्छा रहता है, पेपर बहुत अच्छा आता है, नो डाउट। ठीक है भाई, तो यूपी में ये जरूर है कि पेपर का पैटर्न सभी अच्छे होते हैं मगर लीक हो जाता है, उसका मैं जिम्मेदार नहीं हूँ और उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। सरकार को ये कार्रवाई करनी चाहिए कि पेपर लीक ना हो, अच्छे बच्चों के साथ खिलवाड़ ना हो। ठीक है, यही मैं चाहता हूँ। तो आप उसी हिसाब से तैयारी करके सीपीओ का थोड़ा सा पैटर्न चेक करें और सीपीओ के हिसाब से पढ़ें। ठीक है, यही है, सीपीओ के हिसाब से पढ़ेंगे तो यूपीएसआई का गारंटी है आपका पेपर 101% तैयार हो जाएगा। राइट, मैंने आपको बता दिया कि कौन सा सेक्शन आपको उसमें नहीं करना है और कौन सा सेक्शन करना है। ठीक है बच्चे, चलिए तो आंसर आ गया रावण, बिल्कुल ठीक है, रावण का आंसर 250 रुपये, बिल्कुल ठीक है बच्चे, आपका आंसर 250 रुपये आ गया। तो बच्चे रेखा प्रदीप आपको ये समझ में आ गया होगा, आपको मैंने जो समझाया आई होप। तो देखिए ये आपको ध्यान रखना है, तो हमारा मेरा ये टारगेट रहता है कि बच्चे सीपीओ सीजीएल के हिसाब से, देखो मैंने अभी ऑनलाइन में कभी भी एडवांस कोर्स अभी नहीं पढ़ाया है, अभी मैं एडवांस का भी मैं अब रेलवे में पढ़ा रहा हूँ, रेलवे के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। मैं अभी क्वेश्चन भी रेलवे के हिसाब से ही मैं अब चेक करके लेके आता हूँ कि रेलवे में जो पूछे जा रहे हैं। अगर आप देखें ट्रिगोनोमेट्री पढ़ें तो मेरा एक आध लेक्चर पढ़ा हुआ है, आप पढ़ के देख सकते हैं, उसमें शायद मेरे शायद डला हुआ है ये नहीं पता मुझे एग्जैक्ट। चलिए इसमें यहाँ पर द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द 4000 रुपीज फॉर 4 ईयर्स एंड 10% पर एनम विल बी 4000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक दर से कितने 4 वर्ष फॉर 4 ईयर्स चक्रवृद्धि ब्याज कितनी होगी ये बताना है आपको। ठीक है भाई, चक्रवृद्धि ब्याज कितनी होगी, कितने वर्ष, 3 वर्ष की बात कर लेते हैं इसमें, 3 वर्ष नहीं 2 वर्ष की बात कर लें, 2 वर्ष, 2 वर्ष कर दीजिए बच्चे, हमें 2 वर्ष होगा ना, 2 वर्ष, चलिए 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है आपको, 2 वर्ष। चलिए बताइए जल्दी से इसका आंसर बताइए, 2 वर्ष। बताइए रावण इसका आंसर बताइए बच्चे, हाँ इसका आंसर बताइए, 2 वर्ष का आपको बताना है। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ द 4000 रुपीज फॉर 2 ईयर्स 10% पर है ना, चलो इसका आंसर अब बताएंगे, इसका आंसर क्या होगा। ठीक, ये बता रहा है 484, ठीक है ये 484 है ना, 484 आ रहा है बच्चे, है ना। चलो देखते हैं, 4000 रुपये थे, अगर हम इसे ट्री मेथड से बनाते हैं तो हम देखें 10% और 10%। ठीक है भाई, 10% और 10% 2 जीरो करके 400 रुपये, और यहाँ भी कितने आ गए 400 रुपये आ गए। अगर मैं 2 साल की बात कर रहा हूँ, 2 साल की मैं बात कर रहा हूँ, 2 साल की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आ जाएंगे 40 रुपये, कितने आ जाएंगे 40 रुपये। तो अगर आप देख पा रहे हो, अगर आप देख पा रहे हो 400 400 800 और प्लस 40, 840 रुपये आएगा। रेखा प्रदीप का आंसर बिल्कुल ठीक है। तो रेखा प्रदीप मैं इसमें जो आपको पढ़ा रहा हूँ रेलवे के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ,
आप ये मत समझना कि सर ये तो हमें नहीं पूछे जाएंगे, ये CHS लेवल के क्वेश्चन भी नहीं। रेलवे का पैटर्न बहुत ईजी होता है और इजी तरीके से पढ़ाना भी होता है, बच्चे को उसी पैटर्न में पढ़ाना होता है, ठीक है। उस लेवल के बच्चे वो सोच भी नहीं पाते, राइट। अगर हमें, मैं मानूँ तो मेरा ऑफलाइन बैच बहुत ही जबरदस्त रहता है, उसमें PDF मेरे यहाँ पढ़ाने का टारगेट केवल रेलवे वाले बच्चों को, ठीक है बच्चे। तो आपने पूछा था, मैंने आपको बता दिया, आप ये ना सोचें कि सर यहाँ तो आप क्वेश्चन ऐसे कराते, ठीक है। ऑनलाइन और ऑफलाइन में मेरा बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। तो यहाँ पर आंसर जो आएगा तुम्हारा 840 रुपये आंसर आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाँ भाई रावण तुम्हारा 484 कैसे आया बच्चे तुम्हारा, 840 रुपये आंसर आएगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। आपको तीसरा क्वेश्चन करके बताना है, द सम ऑफ द टू ईयर्स द गिव्स द कंपाउंड इंटरेस्ट 3225 एट द 15% रेट देन द सम इज। आपको ये बताना है कि दो साल बाद जो हम मिश्रधन दे रहे हैं 3225 रुपये दे रहे हैं 15% के रेट पर, आपको प्रिंसिपल बताना है प्रिंसिपल कितने रुपये होगा, आपको प्रिंसिपल बताना है कितने रुपए, ठीक है भाई। प्रिंसिपल आपको बताना है कितने रुपए होगा, चलिए इसका आंसर बताएंगे जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बताइए बच्चों, इसका आंसर क्या आएगा आपका, जल्दी बताएं। चलिए आंसर बिल्कुल ठीक है, रावण का आंसर बिल्कुल ठीक है बच्चे, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए आपको मैंने बताया, अब जैसे ये सवाल आ गया, अब इस सवाल में क्या आप ट्री मेथड से लगाओगे, ट्री मेथड से लगाओगे तो यहाँ पर हमको मूलधन मानना पड़ेगा, मूलधन मानोगे फिर जाके कुछ करोगे, फिर आप क्या करते हैं रेशो वाला मेथड यूज कर, रेशो वाले मेथड यूज कर लेते हैं, 3/20 होता है। आप रेशो वाले मेथड को मैंने बता दिया कि कहाँ कहाँ हम रेशो वाला मेथड लगा सकते हैं और ट्री मेथड कब लगाएंगे, तो आपको ना चक्रवृद्धि ब्याज में यही सोचना बहुत जरूरी होता है जल्दी करने के लिए, राइट। तो 20 है, 20 से कितना हो गया 23 हो गया, और फिर 20 है, फिर 20 से कितना हो गया 23 हो गया। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये 400 है, और मैं ये देखूँ तो 529 रुपये है, 529। इसमें मैं अगर देख पा रहा हूँ तो मेरा जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 129 रुपये है, और 129 की जो वैल्यू है 3225 रुपये आपकी है, राइट। मैं आपका कैंसिल करूँ तो 2 × 12 = 24 और 125, ये दिख गया मुझे 25 आ जाएगा, है ना, 25 रुपये, एक की वैल्यू 25 रुपये आ गई। अगर मुझे यहाँ पर 400 की वैल्यू निकालनी हो, यानी कि मुझे मूलधन बताना हो, तो मैं 400 से गुणा कर दूंगा और 25 चौका होते हैं 100, 25 चौका 100 होते हैं, तो यहाँ पर आपका ये आंसर आ जाएगा, यानी कि 10,000 रुपये आंसर आ जाएगा, 10,000 रुपये, ठीक है, ए बिल्कुल ठीक है, ए आंसर आ जाएगा, राइट। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हमको कौन सा मेथड यूज करना है, सबसे पहले रेशो मेथड यूज करना है या ट्री मेथड यूज करना है। तो जितनी भी वैरायटी मैं आपको देखो, जहाँ जहाँ मैं देखो, देखो मैंने क्या सोचा इसमें कि अगर मैं ट्री मेथड लगाने जाता तो इसमें मुझे मूलधन मानना पड़ता, अब मूलधन मानने का समय नहीं है तो सीधा हमने रेशो मेथड यूज कर लिया। तो जहाँ पर जिस वैरायटी का सवाल है अगर आपको वही ट्विस्ट दे देते हैं, जैसे कहते हैं ना कि दाल में तड़का लगाना है, अगर पनीर खाना है तो दोनों का डिफरेंट डिफरेंट तड़का होता है, कि दाल में तड़का लगाना होता है, पनीर को अलग बनाना होता है, तो इसी तरीके से सवालों का भी यही पैटर्न होता है। और सवाल को पहचानना जिस बच्चे को आ जाता है वो पेपर में 100% कह रहा हूँ, पेपर में बहुत ही अच्छा स्कोर कर देता है मैथ में, और मैथ का स्कोर ऐसा होता है कि उसे कोई काट नहीं सकता, राइट। चलिए हम आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें ये वाला है, 12,500 रुपये पर संयोजन द्वारा 12% की दर से 2 वर्ष में मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। इसमें चक्रवृद्धि ब्याज बताना है 12,500 रुपये पर। चलो
मूलधन दे दिया आपको, और जब मूलधन दे दिया तो सीधा ट्री मेथड यूज कर दो, और ट्री मेथड यूज करोगे तो आंसर आ जाएगा। जल्दी से इसका आंसर करके बता दो कितना आंसर आएगा इसका, इसका आंसर बताओ बच्चों जल्दी से कितना आएगा। इसका आंसर बताइए जल्दी से, इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर क्या होगा। चलिए करते हैं, यहाँ पर 12% को लिख लेते हैं, 12% 3/25, 3/25 यानी कि 12,500 रुपये, और हमें 2 साल की ही बात करेंगे, 2 साल की बात करेंगे, 3/25 और 3/25 है ना भाई, 3/25। अगर मैं आपसे बात करूँ 25×5=125 और ये आ जाएगा 1500 रुपये, कितना आ जाएगा 1500 रुपये आ जाएगा यहाँ पर, 1500 रुपये राइट, कितना आ जाएगा 1500 रुपये। रेखा प्रदीप का रावण का आंसर बिल्कुल ठीक है, रावण बिल्कुल बहुत अच्छे बच्चे। अगर मैं यहाँ पर 3/25 × 25 = 150 यानी कि 180, ये आपका 180, ये आप देख पा रहे हो तो ये आपका हो गया 3000 और ये आपका 180, यानी 3180 रुपये की आपको क्या मिलेगी, चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगी, ये आपका आंसर है। वेरी गुड बच्चे, बहुत ही अच्छा जवाब, इसका आंसर बताएंगे जल्दी से। 3 वर्ष के बाद 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर प्राप्त राशि इतने रुपये है तो मूलधन क्या होगा ये बताना है। चलिए मूलधन बताइए, जल्दी से मूलधन बताइए, इसका मूलधन कितना बनेगा। इसका आंसर बताएंगे जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। वेरी गुड बच्चे, बहुत अच्छे इसने आंसर बता दिया बच्चे ने। देखो अब फिर से इसमें मैंने आपको बताया, इसमें हमें फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, मूलधन मानना पड़ेगा। अब हम मूलधन नहीं मानना पा चाहते, मूलधन नहीं मानना चाहते, हम मूलधन नहीं मानना चाहते तो हमें करना क्या होगा, हम ऐसे लिखेंगे पी और ए का रेशियो लिखेंगे, पी और ए का 10% का मतलब 1/10 हुआ, यहाँ हुआ 10 और यहाँ हुआ 11, पूरे यहाँ 10 11 10 और कितना 11। यहाँ अगर मैं बात करूँ तो मेरा आपका आंसर आ जाएगा 3000 और मैं यहाँ की बात करूँ तो ये आ जाएगा 1300, कितना आ जाएगा 1331 राइट, कितना आ जाएगा 1331। अगर मैं बात करूँ 1331 की तो ये आपका जो है यहाँ पर ये दे रखा 10,648 रुपये। देखो अब 8 से गुणा करूँ, 8 × 8 8 × 3 = 24 8 × 3 = 24 = 26 और 8 × 8 = 10 ठीक है, ये पूरा मतलब है कि 8 से गुणा हो रहा है इसके साथ, हम भी ये सॉरी मैंने कितना लिख दिया, हम 3000 नहीं आएगा यहाँ पर आएगा 1000 ठीक है। तो अगर मैं इसके साथ 8 से गुणा कर दूंगा मेरा कितना आ जाएगा 8000 रुपये, मेरा आंसर आ जाएगा 8000, बिल्कुल ठीक है 8000 रुपये मेरा आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सही जवाब राइट। तो कुछ देखो अब इसमें क्या है, अगर हम ट्री मेथड लगाते तो हमें मूलधन मानना पड़ता, मूलधन मानना बचना है, तो बचना का तरीका यही है कि आंसर आ जाए, सिंपल सवाल है। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 37,500 फॉर 1/3 ईयर्स एट द रेट ऑफ 12% पर एनम इफ द इंटरेस्ट कंपाउंड 8 मंथली देनी है, 8 मंथ के हिसाब से आपको कंपाउंड इंटरेस्ट चुकानी है, तो आप इसका आंसर बताइए, 8 मंथ के हिसाब से आपको चुकाना है, 8 मंथ के हिसाब से कैसे आप देंगे वो आपको बताना है ठीक है। तो यहाँ पर 8 मंथ के हिसाब से आपको चुकाना है, 8 मंथ के हिसाब से आपको चुकाना है, तो बताइए कैसे करना चाहिए ठीक है, इसका आंसर मुझे दीजिए आप, इसका आंसर मुझे दीजिए।
क्या हो सकता है इसका? रोजी चौधरी का आंसर आ चुका है सी, रोजी चौधरी आंसर बताना चाह रही है सी। चलो करते हैं भाई, देखो 8 महीने के हिसाब से अगर मैं बात करूं, इसकी बात करता हूं सबसे पहले, अगर मैं इसकी बात करूं, इसको मैं देखूं 12% का मतलब है, 12% का मतलब है अगर मैं 8 महीने के हिसाब से जा रहा हूँ, 8 महीने की रेट हो जाएगी 8%, राइट। अब 8% रेट होगी। अगर मैं समय की बात करूँ, समय है 4/3, इसको मैं 12 करने कर लेता हूँ तो मैं आ जाएगा 4 × 16, 16 है आपका मंथ, तो यहां पर 16 मंथ के हिसाब से बात करें और कितना मंथ के हिसाब चल रहा है 8, 8, तो 8 + 8 ऐसे दो बार चलेंगे, दो बार हमें ब्याज देनी पड़ेगी, है ना, वार्षिक चलते हैं तो हम चलते हैं, चलते करते हैं, हमें दे रखा है 37,500, 37,500 यानी कि 8% और 8%, ठीक है भाई, 8% 8% के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, तो 2 0 कर गए, 8 × 5 = 40, 8 × 7 = 56, 8 × 3 = 24, 30 यानी कि 3,000 और यहाँ भी 3,000, ठीक है भाई। फिर से मैं ब्याज चुकाऊंगा 8% के हिसाब से, तो 2 0 कट जाएंगे, 8 × 3 = 24, 240, है ना भाई, तो ये आ गया 6,240 रुपये, 6,240 रुपये आपका आंसर आ जाएगा, 6,240 रुपये ये आपका आंसर होगा, ठीक है, 6,240 रुपये यानी कि मेरा डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ना कि सी ऑप्शन करेक्ट होगा, 6,448 भी आंसर नहीं होगा, ये आंसर होगा। तो आप बच्चों गलत ना करें, गलत ना करें, यहाँ पर उसने टर्म्स एंड कंडीशन लगाई हुई है, कुछ क्या लगाया है, 12% का मतलब है 8 महीने के हिसाब से देखा, 8-8 महीने के हिसाब से, ये पूरी साल का है सर, दर 8% कैसे ली, देखो बेटा ये जो है आप 8 महीने के हिसाब से, 8 महीने के हिसाब से आप वार्षिक नहीं चुकाना है, वार्षिक नहीं चुकाना है, 8 महीने के हिसाब से चुकाना है। तो ये बताओ मुझे 12% जो रेट है वो कितना है, 12 महीने का है, 12 महीने का रेट कितना है, 12%, यानी कि 1 महीने का 1%, तो 8 महीने का कितना हो गया, 8% हो गया, सीधी सी बात है, 8 महीने का 8% हो गया, 8% के हिसाब से आप आपको चलना है, 8% के हिसाब से चलना है, वार्षिक खत्म हो गया, 8% के हिसाब से चलना है। और ये जो है इसको हमने बना लिया महीने, क्योंकि 8 महीने के हिसाब से हमें ब्याज चुकाना है, तो ये 16, 8 और +8, अब बताओ जल्दी से समझ में आया क्या नहीं, 8% समझ में आई बात नहीं आई, जल्दी बताएं बच्चे, जल्दी बताएं मुझे ये बात आपको क्लियर हुई क्या नहीं, क्लियर सर, ओके बच्चे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 12,000 रुपए की एक राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 1.5% की साल में प्रतिदर से अर्धवार्षिक, देखिए अर्धवार्षिक का मतलब है, अर्धवार्षिक का मतलब दो बार आपको ब्याज देनी पड़ेगी, छमाही, छमाही बोलते हैं जिसको हम, छमाही, छमाही बोलते हैं ना, छमाही यानी कि हाफ ईयरली, हाफ ईयरली ये बोलते हैं ना बच्चों, हाफ ईयरली का मतलब होता है टाइम आपको डबल करना पड़ेगा, टाइम आपको डबल करना पड़ेगा, टाइम आपको डबल करना पड़ेगा, और रेट आपको क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा, रेट आपको हाफ करना पड़ेगा, आधा, ठीक है, ये कंडीशन इसमें लगाइए और सवाल का आंसर लाइए, यही है, ठीक है, ठीक है बच्चों, सवाल का आंसर लेके आइए, चलिए इसका आंसर करिए जल्दी से मुझे, इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बताइए मुझे, इसका आंसर क्या आएगा, Thank you.
चलिए देखिए, अगर हम बात करें 12,000 रुपये की, अगर हम बात करें 12,000 रुपये की, 12,000 रुपये की अगर मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं बात कर रहा हूँ 10%, 10% का मतलब कितना रह गया बच्चों, 5% रह गया, 5% रह गया। और यहाँ पर अगर आप देखें तो इसको मैं डबल कर दूंगा तो ये 3 साल बन जाएगा डबल, यानी कि 3 साल डेढ़ का हो जाएगा, 3,1983 रावण का आंसर आ चुका है। चलो देखते हैं बच्चे, तो 5% के हिसाब से हम लगाते हैं, 5%, 5%, 5%, ठीक है बच्चों, 5% के हिसाब से लगाएंगे तो 12×5=60, यानी कि 2 जीरो खत्म, और 12×5=60 यानी कि ये आ गया 600 रुपये, और यहाँ से भी 600 रुपये, है ना, यही है ना, 600 रुपये, 600 रुपये, राइट। और 3 साल की बात हो रही है, 3 साल की बात हो रही है, 5% की बात है, यानी कि 12% का हिसाब हुआ, यानी कि यहाँ भी 600, है ना, ये 600 रुपये, राइट, 3 बार, 3 साल की बात हो रही है। अब यहाँ पर प्री मेथड का यूज कर रहे हैं, यहाँ से अगर मैं देखूँ फिर से मैं 5% दूंगा, 5% मैं यहाँ से दूंगा, तो मैं 5% देने का मतलब है कि मैं 30 रुपये यहाँ पर दे दूंगा, 30 रुपये यहाँ पर दे दूंगा। अब मुझे यहाँ पर 600, यहाँ देख रहे हो गए, 630 रुपये का ब्याज देना है, 630 रुपये का ब्याज देना है, 630 रुपये का जैसे ही मैं ब्याज दूंगा यहाँ पर, 630 रुपये का 5% के हिसाब से ब्याज दूंगा, तो 630 रुपये का यहाँ पर आप देखना, 630 रुपये का 5% के हिसाब से ब्याज देना है मुझे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक जीरो कट कर दूंगा, 5 × 3 = 15 और 5 × 6 = 30 और 1 = 31.5। देखो पॉइंट में आंसर आने वाला है, पॉइंट में आंसर आएगा, फिर मैं यहाँ से इसका 10 5% दे दूंगा ब्याज, 5% दूंगा 30 रुपये, ठीक है भाई, 6 × 3 = 18, यहाँ पर 18, तो ये हो गया 1800 रुपये, 1800 रुपये, और 30 30 91, 1891.5 रुपये, आपका आंसर ये वाला सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन को संभल के करो, देखो पेपर में भी आप लोग थोड़ी थोड़ी मिस्टेक, स्ली स्ली मिस्टेक कर करके ना पूरा पेपर में कचरा हो जाता है ना, तो आप उसको ध्यान में रखें, ठीक है। पेपर करने का एक टारगेट बनाइए, सबसे पहले आपको जो जैसे जीएस, जीएस को उड़ाइए, फिर इंग्लिश को उड़ाइए, फिर आपका रीजनिंग को उड़ाइए, फिर सबसे लास्ट में मैथ के लिए टाइम बचाइए। और मैथ में टाइम बचाने का मतलब है आपको अच्छी तरह वो करना है, ठीक है, यही स्ट्रेटेजी आपको हर पेपर में अपनानी भी होती है, और इसी स्ट्रेटेजी से आपका पेपर भी निकलेगा, और ये गारंटी है मैं आपको जो बता रहा हूँ। और मेरे हिसाब से आप अगर देखिए, भीड़ बहुत है, मेहनत करने वाले बच्चे बहुत कम है, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, कोई बच्चे से किसी भी, कोई भी बच्चा जो बच्चा पेपर निकालता है उससे पूछिए, भैया तुमने लगातार जो मेहनत की है, बहुत अच्छी तरह जो मेहनत की है वो कब की है, वो आपको बताएगा कि मैंने 6 महीने मेहनत की है। और ये बात हकीकत है, आप 6 महीने, 6 महीने आप मेहनत कीजिए और दबा के मेहनत कीजिए, और 6 महीने में ना आपका रिवीजन भी होना चाहिए, उसके अंदर आपको चीज़ें पढ़नी भी हैं, जो आप पहले देखो सबसे पहले सिलेबस को क्लियर करो, सिलेबस का आपको जो पढ़ रखा पहले उसको पढ़ लो, और 6 महीने फिर दीजिए आप, देखो गारंटी है। आप देखिए बच्चे जो ना आजकल भीड़ बहुत है, भीड़ क्या है, सबने देखा फॉर्म भर दिया, मगर सब मेहनत कर रहे हैं क्या, नहीं, आजकल यूट्यूब है, यूट्यूब पढ़ लिया, अब यूट्यूब की तुम जानते हो पढ़ाई कितनी देरी को कैसी होती है ना, यूट्यूब पे पढ़ाई जितनी समझ में आती है इतनी देरी टिकती है वो, उसके बाद गायब, है ना। तो ये जो है मीडिया का जमाना है, और अगर मीडिया की हेल्प ले से बहुत ही बच्चे क्लियर करते हैं, और बच्चों से पूछो कि वो 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने पढ़े होंगे, और जो रेगुलरली उन्होंने पढ़ाई की है उसी से उनका एग्जाम भी क्लियर हुआ है, और उन्हीं की उसी से पिक्चर बनी है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आप लोग सोचते हो कि 1 साल लग गए, 5 साल लगे, 5 साल, 2 साल, 3 साल से कोई मतलब नहीं, आप 2 साल आप अपना जी जान ठोक दीजिए, अपने अपना कैरियर सेट कर दीजिए कि हमें 2 साल से ज्यादा देना ही नहीं है, मैं गारंटी दे रहा हूँ 2 साल में आपको जो चाहे जो जॉब निकाल देंगे, जो चाहे जो, ठीक है, आप बस सीरियस सीरियसली होकर आपको लड़ना है, ऐसा नहीं है कि आप 4 मिनट शॉर्ट देख लिया, 5 मिनट शॉर्ट देख लिया, फिर आपका ये हो जाता है। चलिए इसका आंसर बताइए जल्दी से, द कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 10% पर 20% पर ईयर, व्हाट इज द इंटरेस्ट अमाउंट इतने रुपए फॉर द 2 ईयर्स कंपाउंडिंग हाफ ईयरली, इसमें भी हाफ ईयर बोला गया, आप बताइए जल्दी से इसका आंसर कितना, हाफ ईयरली है, ठीक है, कंपाउंडेड
इंटरेस्ट अमाउंट बतानी है, अमाउंट व्हाट इज द इंटरेस्ट अमाउंट ऑन दिस इतने टू इयर्स कंपाउंडेड हाफ ईयर, बताइए जल्दी से कितना। नहीं बताइए, इसका आंसर आया भाई, इसका आंसर बता दीजिए मुझे। हाँ तो मैंने भी क्या बताया आपको, हाफ ईयरली कर लिया तो 10% रह गया, 10% रह गया, और ये दो वर्ष हैं तो चार वर्ष, ठीक है इसका करते हैं 10, इससे करेंगे हम पी, पी से करेंगे 10, 11, 10, 11, 10, 11 और 10 और 11, ठीक है बच्चों, ये चार जीरो आएंगे, 10,000 रुपये आ जाएंगे, 10,000 है ना, ये आ जाएंगे तुम्हारे 14,641 रुपये, ये आ जाएगा ठीक है, 14,641 राइट, बिल्कुल ठीक है रावण का आंसर, रावण बिल्कुल ठीक है आपका आंसर। तो इसकी वैल्यू दे रखी है आपको कितनी है, आपकी 5 जीरो दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है यहाँ पर, ये आपको 1,00,000 रुपये दे रखी है, 1,00,000 रुपये है ना। तो आप देख पा रहे हैं अगर ब्याज देखें यहाँ से, तो ब्याज देखें तो यानी कि यहाँ से एक की वैल्यू 10 आ गई, एक की वैल्यू 10 आ गई, और ब्याज है 4,641 रुपये, गुणा करूँगा मैं 4,641 रुपये, तो मेरा आंसर आ जाएगा 4,046,410 रुपये, ठीक है बच्चों, इस तरीके से आंसर आपका आ जाएगा। तो ये है, कोई दिक्कत है? तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, आगे चलूँ मैं आगे, अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, अगला क्वेश्चन तो यहाँ पर पूछ रहा है, अगर ये कह रहा है कि बिकम्स इतने रुपए इतने हो जाते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पर, व्हाट इज द रेट परसेंट पर एनम, ये बताना है, रेट परसेंट पर एनम बताना है आपको, रेट परसेंट कितना, आपको रेट परसेंट बताना है कितना होगा, आपको रेट परसेंट बताना है इसका कितना। चलिए इसका आंसर बताइए मुझे, बिल्कुल ठीक है रावण का आंसर, बिल्कुल ठीक आते हैं रावण बेटा, इसका आंसर बताइए, आंसर देखो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो आप ध्यान रखिए, कुछ आपका ये फॉर्मूला भी मैंने पढ़ाया आपको, मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था a अपॉन p 1+r/100t, अगर हम इधर जाते हैं, इधर जाते हैं तो हमारा हो जाता है p और यहाँ आ जाता है t, यहाँ पर आ जाएगा a और इससे आ जाएगा t, ठीक है भाई, ये हम यूज कर लेंगे, ये वाला हम यूज कर लेंगे, ध्यान रखें इस चीज़ को हम यूज करेंगे, यानी कि टी और यहाँ से ये फार्मूला का जनरेशन है, यहाँ से ये फार्मूला बना है, ठीक है भाई, टी का मतलब है अगर 2 साल है तो वर्गमूल निकालेंगे, 2 साल है तो वर्गमूल निकालेंगे, 3 साल है तो क्यूब रूट निकालेंगे, इस तरीके से निकालने का यूज करते हैं। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, यहाँ से मैं बात करूँ, 2 साल हैं तो 3600 रुपये रेशो, ये हैं 4900 रुपये, यानी कि 60 रुपये, और यहाँ से हो गए 70 रुपये, आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ गया, 10 बढ़ गया, 10 अपॉन में कितना 60, 1/6, अगर आपने परसेंटेज की क्लास देख रखी तो 1/6 का मतलब होता है 16/2/3%, 16/2/3% आपका आंसर आ जाएगा, 16/2/3%, ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया 16/2/3%, तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा, राइट। तो आप ध्यान रखें ये वाला फॉर्मूला आप याद रखिए, जब भी रेट निकालना हो, क्लास खत्म होती है, हम फिर कल मिलेंगे बच्चों, रावण का बिल्कुल आंसर ठीक था, कल मिलते हैं इसी उम्मीद के साथ, इसी जज्बे के साथ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ, रेलवे में जो भी क्वेश्चन पूछे गए आपके चक्रवृद्धि ब्याज पे वो सारे क्वेश्चंस मैं कल कराऊंगा, और कभी 7-8 बजे से 9 बजे तक मेरी क्लास से जुड़ना ना भूलें, और हमारी जो क्लास होती है वो 7 बजे शुरू हो जाती है, हिंदी चलती है, आपको मैथ पढ़ाया जाता है, साइंस पढ़ाया जाता है, तो ये सारी क्लास आपके हैं, आपने शेड्यूल में बना लीजिए, और आगे जो भी होगी डिमांड मैं एडवांस भी शुरू करूंगा, रेलवे में जो भी एलजेब्रा ट्रिगोमेट्री जो भी पूछा जाता है एक्स वाई जेड वो पढ़ाऊंगा सभी को, और बताइए क्लास आपको कैसी लगी, अगर अच्छी क्लास लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और घंटी को बजाने का कोई पैसा नहीं लगता है यहाँ पर,
घंटी को जरूर बजा के जाएं। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं बच्चों, बाय बाय, गुड नाइट।